इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होती है। उत्तल दर्पण, जब किसी गोलीय पृष्ठ को दो हिस्सों में काटा जाता है और उसके आंतरिक पृष्ठ को कलाई कर दी जाती है, तो उसका जो बाहरी उभरा हुआ हिस्सा होता है उसे उत्तल दर्पण कहा जाता है। जबकि अगर उसके बाह्य पृष्ठ को हम कलाई कर दें तो उसका आंतरिक पृष्ठ यदि परावर्तक के रूप में कार्य करेगा तो उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। तो उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ रहता है और यह अपसरित अर्थात प्रकाश को फैला देता है, जबकि अवतल दर्पण परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है और इसमें प्रकाश की किरणों को यह अभिसारी कर देता है। इसके उपयोग की बात करें तो उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में पीछे के दृश्य को देखने के लिए किया जाता है, जबकि सड़कों के किनारों पर लगे बल्बों में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। जबकि अवतल दर्पण में दाढ़ी बनाने के लिए, हेडलाइट और सर्च लाइट में, डॉक्टर के द्वारा नाक कान की जांच के लिए प्रयोग किया जाने वाला दर्पण अवतल दर्पण होता है। तो ये हुआ अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में जानकारी।